करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाले लघु और मध्यम सेक्टर के उद्यमियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निजी क्षेत्र और नागरिक संस्थानों से अपील की कि वे इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए नए तरीकों पर विचार करें। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 10 करोड़ पीपल। आवर गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बिलीव्ड दैट स्ट्रांग परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेक्टर इज नेसेसरी फॉर अस टू अचीव The objective of rapid and inclusive growth. कौशल का विकास और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का अगला फोकस होगा। 31 मार्च से पहले करीब 1,00,000 कारोबारियों को लोन सब्सिडी के तौर पर सरकार की ओर से 1400 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। This subsidy will help them to support and to start the industries. And 1,00,000 entrepreneurs we are created in 13 and 14. And those people will get the benefit of the subsidy as well as the without guarantee up to 25 lakhs. I think by end of March they will get sanctioned all the 1,00,000 entrepreneurs in this country. इस अवसर पर लघु उद्यमों को एक साझा मंत्र प्रदान करने के लिए एक वर्चुअल क्लस्टर की शुरुआत की गई। प्लेटफॉर्म है जहां पे एंटरप्राइजेस और ये सारे स्टेक होल्डर्स जिनका मैंने जिक्र किया वो उस प्लेटफॉर्म पे मेंबर्स बन सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस पर रख सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये मानना है कि हम पार्टनरशिप्स जो हैं, मल्टीपल पार्टनरशिप्स जो हैं, इसके जरिए डेवलप कर पाएंगे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों के लिए ये एक सुनहरा दिन था और इनमें से कईयों ने मौजूदा आर्थिक मंदी का डटकर मुकाबला किया। अवार्ड इज ऑफ कोर्स वेरी स्पेशल बिकॉज इट्स अ रिकॉग्निशन एंड इट्स अ मोटिवेशन फॉर अस टू डू बेटर। दिस अवार्ड मींस अ लॉट टू मी एंड आई फील दैट दिस इज जस्ट अ स्टार्ट एंड मेनी मोर टू कम एंड आई एक्सपेक्ट टू बैग मेनी मोर सच अवार्ड्स। हमारे पास 880 महिलाएं हैं जिनको हमने रोजगार दिया, ट्रेनिंग दी, एक्सपोजर विजिट्स दिए और एक्सपोर्ट्स यूनिट्स खुलवाए। तो ये जो आज हमारा क्लस्टर को हमारे अवार्ड मिला है, ये मुझे नहीं, पूरे क्लस्टर को अवार्ड मिला है। साल 2012-13 के लिए कुल 114 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें लघु और मध्यम उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, कॉयर इंडस्ट्री और बैंक शामिल रहे। अजय मिश्र, DD News, दिल्ली।